के लिए हम लोग लगे हुए करके महाप्रसाद भोग लगा हुआ है वो ग्रहण करें और माँ के कृपा से। नमस्कार, बरमसिया दुर्गा पूजा सेवा समिति में कुछ मेंबर हैं, आइए उनसे जानते हैं। पवन जी हैं जो कि काफ़ी मेहनत कर रहे हैं और मैं देख रहा हूं कि कंटिन्यू करीब एक सप्ताह से ये लगे हुए हैं। एक सप्ताह से क्या मतलब, 15-20 दिन से लगे हुए हैं, एक सप्ताह ज़्यादा सक्रिय, ज़्यादा एक्टिव हैं। आइए पवन जी से जानते हैं कि क्या क्या व्यवस्थाएँ यहाँ पर हैं। पवन जी बताइए क्या कुछ हो रहा है। जी अभी तो यहाँ प्रसाद वितरण का, आज जैसे अष्टमी का दिन था तो आज प्रसाद वितरण हो रहा, सुबह से डलिया चढ़ रहा। अब डलिया का समय खत्म हो चुका, अब हम लोग का रात्रि महाअष्टमी का जो है प्रसाद वितरण का कार्यक्रम चालू होगा। तो हमने लगाया है और प्रशासन भी, जिला प्रशासन भी हमें मिला है काफ़ी मात्रा में, जो कि हर यातायात में हम काफ़ी सहायता हो रही है हमारी। अभी लगभग 25 CCTV कैमरा यहाँ ऑपरेट हो रहा है, जिसके मंदिर से लेकर पूरा दोनों चौक तक निगरानी रखी जा रही है। कुछ कहना चाहेंगे शहरवासियों? शहरवासियों से यही बोलूँगा कि आप बरमसिया आए, हमारा मंदिर में आए, प्रस्थान करें, प्रसाद ग्रहण करें। और हमारा साथ बेहतर माता जी हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आइए पैदल चंद, पैदल जी क्या कुछ कहना चाहेंगे? हम यहाँ बरमसिया दुर्गा पूजा सेवा समिति में हम यहाँ कोषाध्यक्ष हैं और बहुत विधि व्यवस्था किए हुए हैं और आज अष्टमी को महाअष्टमी है, क्या कुछ वितरण होगा प्रसाद के रूप में? महाअष्टमी का वितरण होने जा रहा है, महाभोग प्रसादी जो है तेहरी प्रसादी में खीर बनाए गए हैं, वो सारे श्रद्धालुओं को प्रसादी वितरण होगा। यहाँ बरमसिया दुर्गा पूजा सेवा समिति में माँ को आकर के दर्शन करें और दर्शन करके महाप्रसाद भोग लगा हुआ है वो ग्रहण करें और माँ के कृपा से सभी को शुभकामना दे और सबसे अच्छा सभी को आशीर्वाद दे। और हमारे द्वारा, मैं पैथर माथा के द्वारा से भावी प्रत्याशी वार्ड नंबर 7 से, हम जितना से जितना पूजा पंडाल में सहयोग कर रहे हैं और सभी को श्रद्धालुओं को हार्दिक अभिनंदन करते हैं। जी सबसे पहले मैं अपना परिचय देता हूं, मैं बरमसिया दुर्गा पूजा सेवा समिति का
विगत कई वर्षों से मेंबर लगातार रहता आया हूं और अभी तक हूं, आने वाला दिन भी रहूंगा। इस बार जो इस समय आप लोग युवा हैं, आने वाला समय में क्या कुछ डेवलप होने वाला है यहाँ बरमसिया दुर्गा पूजा सेवा समिति में? जैसे हर चीज़ का अपडेटेड वर्जन मार्केट में अवेलेबल होते रहता है, उसी तरह हर वर्ष की तरह आने वाला वर्ष भी अपडेट हो और हर चीज़ का सुख सुविधा से लेस हो पूजा समिति में, इसी के लिए हम लोग अपेक्षा हमेशा रहेंगे। और इसका सबसे बड़ा श्रेय से जाता है यहाँ के जनता का, जो बढ़ चढ़ करके इस बार सहयोग करने का काम किए, और जितना बढ़ चढ़ के सहयोग करेंगे, आर्थिक स्थिति से जितनी मजबूत होती जाएगी उतने ये समिति उभर के और ऊपर होता चला जाएगा। ये दिगत 95-96 वर्षों से पूजा होते जा रही है, आने वाले हम लोग 100 वर्ष में प्रवेश करेंगे, जिसके लिए हम लोग अभी से तैयारी में जुट चुके हैं और आने वाला दिन में बहुत ही बेहतरीन और एक अद्भुत नज़ारा यहाँ का देखने को मिले यहाँ के शहरवासी को। इसके लिए मैं अभी से ही हम सभी युवा समिति, युवा संगठन और अपने बड़े बुजुर्ग जो साथ में इस कमेटी को लेकर चल रहे हैं, उसको अभी से ही लगातार हम लोग 100वां वर्ष का स्वागत के लिए तत्पर रहेंगे। पहुँचे हुए हैं बरमसिया दुर्गा पूजा सेवा समिति का अध्यक्ष पप्पू माथा जी। आइए पप्पू जी से जानते हैं कि क्या कुछ इस बार खास हो रहा है, जब 100 वर्ष पूर्णने वाला होगा तो क्या कुछ खास होगा पप्पू जी? इस बार खास विशेष करके मूर्ति, पंडाल और लाइट और प्रसादी के लिए विशेष है, इसके लिए हम लोग लगे हुए हैं। खर्च हम लोग को सार्वजनिक दुर्गा पूजा सभी का संयोग से ही होता है। कितना मेंबर आप लोग जुड़े हैं? टोटल हम लोग 38 या 40 के बीच में है। क्या कुछ कहना चाहेंगे पूरे शहरवासियों को? शहरवासियों का संयोग अगर रहा तो अगले साल इससे भाई और बहुत अच्छा होगा। आप सहयोग कर रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? यहाँ हम लोग बहुत जब से पैदा हुए, बचपन से हम यहीं पे रहे हैं, तो हमेशा अपना मन से बहुत कुछ आया करते हुए हम लोग मेंबर भी बनते रहे हैं। हर समय जितना मन अच्छा होता है आप लोग युवा हैं, आने वाले समय में क्या कुछ यहाँ नया होने वाला है, न्यू होने वाला जो कि भव्य और लगे? तरीके से होने वाला है हर बार की तरह, इस बार और ज़्यादा कोशिश करेंगे। और आप लोग से विनती है कि आप लोग यहाँ ध्यान दें और अच्छे से हमेशा सहयोग करें, हम लोग आगे और बढ़ते रहें इसी तरीके से।